तो यहाँ पे आ गए हैं हम कलश यात्रा के लिए और जा रहे हैं अभी जहाँ से कलश उठाने हैं ना उस मंदिर में जा रहे हैं तो अभी सभी लेडीजे साथ हैं कुछ एक पीछे आ रहे हैं कुछ एक साथ में हैं कुछ एक आगे हैं और ये देखिए मंदिर में पहुँच गए हैं जहाँ से हमको कलश उठाने हैं और इतनी सारी लेडीजें हैं देखिए और सब तैयार हो आए थे सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनकर और कोई तो ओढ़ना ओढ़ रखा था किसी ने किसी ने नहीं ओढ़ रखा था और अच्छा लग रहा था फर्स्ट टाइम ही मैंने ये कलश उठाया है मतलब और भागवत कथा है हमारे मंदिर में इधर ही सूरजगढ़ मोड़ के पास जो मंदिर है उसमें भागवत कथा का आयोजन है तो वो भी इसी दिन से शुरू हो गई थी और वीडियो वैसे दो तीन दिन पुराना है वो जोर मैं भी कर रही हूँ और यहाँ देखिए कलश उठा लिए हैं हमने सबने और ये देखिए सभी ने कलस उठा लिए हैं और थोड़ी सी फोटो करवा रहे थे और थोड़ी सी वीडियो क्लिप मैंने कहा चलो थोड़ी सी निकाल लेते हैं हमारी YouTube फैमिली के लिए उनके साथ शेयर करने के लिए तो ये देखिए और मैं ना स्वेटर नहीं डाल के आई थी मैंने का चलना है और फिर धूप है मैं इनका ठंड नहीं लगेगी लेकिन ना ठंड लग रही थी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और धूप तो थी वैसे लेकिन हवा चल रही थी ना हवा से ठंड लगती है और सभी ने स्वेटर डाला था मैंने ही नहीं डाला था और एक दो ने और नहीं और ने नहीं डाला था लेकिन ना फिर मुझे लगा कि यार स्वेटर पहन के आना चाहिए था और ये मम्मी जी हैं और ये मेरी देवरानी और ये जेठानी हैं और बस ये सभी लेडीजे हैं कुछ एक को मैं जानती हूँ कुछ एक को नहीं जानती हूँ और अभी निकल लिए हैं मंदिर से और डीजे बजरा है आगे आगे तो डांस करते हुए जाएंगी लेडीज़ और मटकी सर पे लिए लिए ही डांस करेंगी देखना आप और अच्छा लगता है बहुत ही और टाइम था सवा ग्यारह बजे उठाए थे हमने कलश और एक बजे पहुंच गए थे मंदिर में और ये देखिए ये रस्ते की ही क्लिप है और बहुत दूर से गए थे मतलब लेकर इतना टाइम लग गया था देख लो करीबन दो घंटे लग गए थे और धीरे धीरे मतलब डीजे बज रहा था तो नाचते गाते जा रहे थे ना तो धीरे धीरे ही जा रहे थे और बहुत सारे लेडीज जे हैं और ये देखिए डांस शुरू हो गया है इनका और सॉन्ग तो वो मतलब वही है कॉपीराइट आ जाता नहीं तो अच्छा लगता अगर मैं सोंग देती तो लेकिन क्या कर सकते हैं तो उसके लिए तो माफ़ी चाहती हूँ जी अब क्या ही करें है ना और सॉन्ग भी मतलब वही बज रहे थे भगवान जी के ही भजन वगैरह होते ना वही बज रहे थे डीजे में और उसी पे डांस कर रही थी लेडीजे और खूब अच्छा डांस कर रही थी मटकी सर पे ले लेके और अच्छा लग रहा था और मैं तो डांस वगैरह मुझे तो नहीं आता है वैसे मैं बस देख लेती हूँ मुझे करना नहीं आता है डांस सीखेंगे कभी टाइम मिलेगा तब है ना और ये हमारी पड़ोस वाली आंटी हैं जो हमारे साथ ही गई थी ये भी डांस कर रही हैं और देखिए सभी में मस्ती छाई हुई है सभी लेडीजें डांस वगैरह कर रही हैं और जी आप इन्जॉय कीजिए बिना सॉन्ग के अब क्या कर सकते हैं और बस यही था आज और कुछ भी नहीं है वीडियो में बस यही है बस ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है तो आप फुल वॉच करना मम्मी जी ने भी देखे क्लास ले रखा है और किसी ने सर पे रख रखा है किसी ने हाथ पे तो हमने तो सर पे ही रख रखा था क्योंकि ना फिर हाथ रुक जाते हैं फिर वीडियो भी नहीं बना पाती मैं एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में कलश तो फिर दिक्कत हो जाती और फिर साड़ी भी मतलब उठा के चलना पड़ता है ना थोड़ा बहुत है कहीं कहीं और ये देखिए सभी लेडीज मतलब देख रही थी कि ये फोटो खींच रही है तो उनको ये नहीं पता था कि ये फ़ोटो खींच रही है कि वीडियो बना रही है और मैं वीडियो बना रही थी तो सभी बोल रहे थे कि हमारी फ़ोटो खींच दे हमारे हमारे पास भेज देना मैंने कहा हो हाँ ठीक है भेज दूंगी आपके पास में और बस देखिए सभी अच्छे लग रहे हैं ना आप कमेंट करके बताना आपके वहाँ पर भी होते हैं होता है क्या ऐसे और सात दिन चलेगी भागवत कथा उसके बाद में कोई मूर्ति वूर्ति मतलब रखी जाएगी गुरु जी की और भंडारा होएगा लास्ट वाले दिन तो मंदिर में तो अगर जाएंगे तो बीच में भागवत कथा में तो आपको शेयर करेंगे और ये हैं गुरु जी और जो भागवत सर पे रख रखी है वो सुनाएंगे भागवत कथा और देखिए मंदिर में पहुंच गए हैं फाइनली और अभी भी लेडीज़ों का डांस चल रहा है और अभी बस मंदिर में एंट्री होगी और बस जा रहे हैं एक एक करके मंदिर में ये सूरजगढ़ मोड़ है जानते होंगे जो चिड़ावा के आसपास के हैं वो तो ज़रूर जानते होंगे और जो चिड़ावा आ चुके हैं उनको तो पता ही है और बस अभी क्योंकि काफ़ी लेडीज़ें थी तो थोड़ा धीरे धीरे से ही निकला निकला जाएगा गेट में से क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही लेडीजें थी थोड़ा सा भीड़ ही हो रहा था और एक बजे से लेकर पाँच बजे तक कथा सुनाई जाएगी और बस अभी इंट्री कर रहे हैं हम लोग तो आप लोग भी कर लीजिए और आपको भी दर्शन करवा देते हैं और जो मैं पहले भी आई थी इस मंदिर में वही मंदिर है ये जो मकर संक्रांति के दिन आई थी ना मैं वही मंदिर है और ये देखिए यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी और फोटो भी हो रहा था यहाँ पर ये भैया भी फोटो क्लिक कर रहे थे फोटोग्राफर वाले और बस कलश वगैरह हमने उतार के रख दिए हैं और यहाँ पर अभी आरती वगैरह होगी और भजन वजन होंगे और फिर एक बजे करेक्ट कथा सुनाई जाएगी तो जी भागवत कथा को भी रख दिया है और ये है कथावाचक जो की कथा सुनाएंगे सात दिन तक ये महाराज जी हैं कथा व्यास तो चलिए जी यही आज, आज का वीडियो यहीं तक मिलेंगे कल अच्छे से नेक्स्ट लोग